हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में। फ्रेंड्स, फार्मेसी इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स। फार्मेसी एक ऐसा साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रिपरेशन की और डिस्पेंसिंग की। हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इसमें ऑफर किए जाते हैं। पहला कोर्स आता है डी फार्मा का, जो कि 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स है, जिसको आप 12वीं के बाद कर सकते हो। इसके बाद डी फार्मा कोर्स होता है, जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, जिसको भी आप 12th के बाद कर सकते हो। फिर एम फार्मा कोर्स है फ्रेंड्स, जो कि 2 साल का होता है बी फार्मा के बाद, और ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन केमिस्ट्री एक्सेट्रा। फार्मडी कोर्स भी होता है, जो कि डॉक्टरल कोर्स है हमारे फार्मेसी में, जिसको आप एम फार्म की बात कर सकते हो। सबसे मेन चीज फ्रेंड इसमें यह है कि आप सबसे पहले श्योर कर लें, मेक श्योर दैट ऑल कॉलेजेस शुड बी अप्रूव्ड फ्रॉम पीसीआई व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन। जब भी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, तो ये पहले श्योर कर लें, पक्का कर लें कि आपका कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए। उसी के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। हम देखें क्या स्कोप है फार्मा कोर्स करने के बाद। अगर आप डी फार्मेसी करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ओपन योर ओन केमिस्ट शॉप आफ्टर रजिस्टर्ड योर सेल्फ इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आप अपनी दुकान, केमिस्ट दुकान खोल सकते हो। नंबर टू, आप एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हो। नंबर थ्री, आप एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हो। नंबर चार, आप एक पेशेंट ड्रग डोज एडमिनिस्ट्रेशन एंड काउंसलर के रूप में भी काम कर सकते हो। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो। अगर आपने बी फार्मा किया है, एम फार्मा किया है, तो क्या स्कोप? अगर आपने बी फार्म एम फार्म किया है, तो सबसे बड़ा स्कोप जो आपका है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी कंट्रोल है, R&D है, पैकेजिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है। अब हम सबको वन बाय वन करके देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है। प्रोडक्शन, अगर आप प्रोडक्शन में काम करते हो, तो इसमें सेक्शंस होते हैं, टैबलेट सेक्शन, लिक्विड सेक्शन, कैप्सूल सेक्शन, इंजेक्टेबल सेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल टैबलेट सेक्शन में ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट होता है, कंप्रेशन होता है, कोटिंग होता है, पैकेजिंग होता है। उसी तरह से लिक्विड सेक्शन है, उसमें लिक्विड बैच बनता है, फिलिंग होती है, फिर पैकेजिंग होती है। इसी तरह से कैप्सूल सेक्शन है, इसमें ब्लेंड ब्लेंड बनता है, या आजकल रेडीमेड ग्रेनुल्स आते हैं, कैप्सूल की इस बात फिलिंग की जाती है और पैकेजिंग की जाती है। इसी तरह से हमारा इंजेक्टेबल सेक्शन होता है। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल में काम करते हैं, तो उसमें मेनली जो काम होता है वो रॉ मटेरियल टेस्टिंग, फिनिश गुड टेस्टिंग और सैम्पलिंग का काम होता है। अगर आप फ्रेंड्स क्वालिटी एश्योरेंस में काम करते हैं, तो क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि टू एश्योर द क्वालिटी। अगर कोई एक लाइन चल रही है टेबलेट की, मान लो कैप्सूल की है, इंजेक्टेबल की है, कोई भी, उस पर एक प्रोडक्शन केमिस्ट होगा, उसके साथ एक क्वालिटी एश्योरेंस का लड़का या केमिस्ट रहता है, क्योंकि एश्योर करता है कि जो आप काम करवा रहे हैं वो सही है गलत है। फिर आप मार्केटिंग में अपना बेशुमार अच्छा कैरियर बना सकते हैं, ब्राइट कैरियर विद डायनेमिक ग्रोथ। आप एक लेक्चरर के रूप में काम कर सकते हैं फार्मेसी एंड मेडिकल कॉलेजेस। आप एक रिसर्च एसोसिएट साइंटिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं आप फार्मेसी, एम फार्मेसी एंड फॉर्मली। थैंक्स फ्रेंड्स।